नमस्कार बच्चों, आपका लॉकडाउन में समय कैसे बीत रहा है ये मेरे को आप ये वीडियो ख़त्म होने के बाद में, ये देखने के बाद में ज़रूर बताना। नमस्कार आप सभी को, पेरेंट्स को भी मेरा नमस्कार। और ये पहला वीडियो मैं जारी कर रहा हूँ जिसके अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। लॉकडाउन कब तक बढ़ेगा, कब तक चलेगा या क्या होगा, वो सरकार के निर्देशों के अनुसार हम सभी को चलना होगा। लेकिन हमारा जो काम है, हमारा जो कर्तव्य है, हम उसमें पीछे ना रहें, हमारे समय को हम ख़राब ना करें, उसका अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करें। और इसी के लिए मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये लॉकडाउन आगे बढ़ेगा, नो डाउट बढ़ेगा, क्योंकि हम सभी की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, जान है तो जहान है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था। इसके साथ में हमारी जो स्टडी है वो बहुत बाधित हो रही है। स्टडी बाधित ना हो इसी के लिए ऑनलाइन क्लासेस जो है वो गूगल स्कूल शुरू करने जा रहा है। सरकार के भी जो दो निर्देश आए थे उनके अनुसार पहले निर्देश के हिसाब से ऑनलाइन स्टडी है, ऑनलाइन स्टडी हम शुरू करवाने जा रहे हैं। एक या दो दिनों के अंदर अंदर आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, आपके व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको मिल जाएंगे। यदि आपने अपना नया नंबर लिया है या व्हाट्सएप नंबर चेंज किया है तो आप मेरे को अपडेट करवाएं, या अपने क्लास टीचर को या अपने ग्रुप के अंदर आप लिख करके भेज दें उस नंबर को और अपने नाम को, ताकि उसके अंदर वो ऐड किया जा सके और ऑनलाइन क्लासेस में आप साथ में हमारे आ सकें। ऑनलाइन क्लासेस में होमवर्क दिया जाएगा, होमवर्क से पहले आपकी सारी क्लासेस ली जाएंगी, सारे कंसेप्ट समझाए जाएंगे। एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ, जो दूसरी बात जो गवर्नमेंट ने दी थी वो ये कि आप जिस क्लास में अभी तक थे उस क्लास का आपका ईयरली एग्ज़ाम नहीं होगा, और आपके जितने एग्ज़ाम हो चुके उन्हीं एग्ज़ाम के आधार पर आपको अगली क्लास में प्रमोशन मिल रहा है, प्रमोट किया जा रहा है हमारे विद्यालय से। जब ये लॉकडाउन हट जाएगा तब आपको प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और उस प्रमाण पत्र में आपकी अगली क्लास के प्रमोशन के बारे में जानकारी लिखी हुई होगी। तो इसका मतलब एक आपके लिए एक समस्या दूर हो चुकी है कि आपको अब एनुअल एग्ज़ाम जिस क्लास में आप थे उसका नहीं देना है। अब आप अगली क्लास में आ चुके हैं, यानी आप सिक्स में थे तो आप सेवन्थ में आ चुके हैं, आप थर्ड में थे तो आप फोर्थ में आ चुके हैं, फिफ्थ में थे तो आप सिक्स में आ चुके हैं। फिफ्थ और एट्थ बोर्ड के बच्चों को भी ईयरली एग्ज़ाम नहीं देना है, वो भी अगली क्लास में प्रमोट कर दिए जाएंगे। हमारी स्कूल से हम प्रमाण पत्र जारी कर देंगे, आप अगली क्लास के अंदर आ जाएंगे, फिफ्थ वाले सिक्स में और एट्थ वाले नाइन्थ में। ऐसे ही फर्स्ट वाले सेकेंड में, सेकेंड वाले थर्ड में, थर्ड वाले फोर्थ में, इस तरीके से आप प्रमोट कर दिए जाएंगे। जो एग्ज़ाम आपके पहले हुए हैं उनके आधार पर, उन्हीं परसेंटेज के आधार पर डेली जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी वो ऑनलाइन क्लासेस आधारित होंगी यूनिट वन के एग्जाम पर। जो ऑनलाइन क्लासेस का सिलेबस दिया हुआ होगा वो सिलेबस आपका यूनिट वन का रहेगा, इसलिए पूरी ध्यान से सारी ऑनलाइन क्लासेस आप करें, ज्वाइन करें वो सारी ऑनलाइन क्लासेस। और ये क्लासेस गूगल स्कूल के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है, कंपल्सरी है। क्वेश्चन आंसर इसमें दिए जाएंगे, पढ़ाई आपको कराई जाएगी वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, फोटोज़ के माध्यम से आपको पढ़ाई करवाई जाएगी। उसके साथ में फ़न एक्टिविटीज़ भी इसके अंदर रहेंगी। फ़न एक्टिविटीज़ के अंदर जो आपकी हॉबी हैं, जिनके अंदर डांस है, म्यूज़िक है और अदर जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, उनका भी हम इसके अंदर एक्टिविटीज़ के अंदर वीडियो के माध्यम से हम लोग पार्टिसिपेशन आपका करवाएंगे। और उसके बाद में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो निर्धारित करेंगे जिस पर आप अपना टैलेंट है दिखा सकते हैं, आप अपनी एक्टिविटीज़ दिखा सकते हैं सभी को, और जो बेस्ट रहेंगे उनके लिए आगे रिवॉर्ड जो मिलेंगे वो अलग मिलने वाले हैं। और कोई जानकारी आपको चाहिए आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मेरे को आप पूछ सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो बच्चे गूगल स्कूल में नया एडमिशन चाहते हैं वो बच्चे भी अपना नाम मुझे भेज दें, और ताकि मैं उनका उस क्लास के उस ग्रुप के अंदर वो नाम डाल दें ताकि उनको भी ऑनलाइन क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएँ। आपके जो फ्रेंड्स हैं आप उनको भी इन्फॉर्मेशन ये दे दें कि ऑनलाइन क्लासेस हैं वो गूगल स्कूल की शुरू हो गई हैं, पढ़ाई शुरू हो गई है, पढ़ाई अब डेली हमें करनी है। थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करेंगे तो ये जो लॉकडाउन का समय बहुत आसानी से बीत जाएगा और बहुत कुछ सीखने को हमें रोज़ाना मिलने वाला है टीचर्स के माध्यम से। हम और आप बस दूर ज़्यादा नहीं हैं, वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से हम फिर से नज़दीक आ चुके हैं। और आप सभी जो बच्चे नए आना चाहते हैं हमारी स्कूल में उनको भी ये सूचना दे दें, उनको भी मेरे नंबर दे दें ताकि, या फिर मुझे आप उनके नंबर दे दें ताकि मैं उनके नंबर को ऐड करके उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था करवा सकूं, जो ऑनलाइन क्लास लेना चाह रहा है और जो गूगल स्कूल में अगले साल एडमिशन लेने वाला है। हम और हमारी टीम आपके साथ है, थैंक यू सो मच। पेरेंट्स को या बच्चों को कोई भी जानकारी चाहिए हम अवेलेबल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।